हेलो गाइज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स महान में आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणा करने की ट्रिक जी हाँ सुपर फास्ट ट्रिक आप भी किसी भी संख्या की गुणा मात्र दो से चार सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं इस वीडियो में आपको सिखाएंगे हम रेखाओं के माध्यम से गुणा करने की ट्रिक आइए आपको सिखाते हैं अगर दोस्तों पूरी ट्रिक अच्छी तरीके से सीखना है तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा जैसे इक्कीस गुणे लिखा हुआ है तो देखिए दो लिखा हुआ है सबसे पहले तो आपको क्या करना है इस तरीके से दो पड़ी हुई लाइनें खींच लेनी है अब क्या है एक तो एक लाइन पे खींच देनी है अब देखिए इसमें दो तो दो क्या करना है इसके ऊपर ऐसे खड़ी लाइन खींचनी है दो अब देखिए तीन लिखा है तो तीन लाइन ऐसे खींच देनी है इसी के ऊपर एक दो तीन अब आपको क्या करना है इधर से इनको देखना है कि कहाँ कहाँ पे काट रही हैं देखिए यहाँ पे जितनी भी लाइनें काटेंगी उसको यहाँ पे लिखना है नंबर एक पे उसके बाद में ये जो जितनी भी लाइनें काटेंगी ये और ये इसको बीच में लिखना है देखिए एक दो तीन तीन जगह काट रही हम तीन लिख देंगे अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ जगह काट रही तो आठ लिखना है यानी ये वाला हिस्सा जो है हमेशा ही बीच में रखना है यानी बीच में लिखना है अगर ये नौ से ऊपर संख्या आने लगे जैसे दस ग्यारह बारह तेरह जो भी तो हम क्या करेंगे एक अंक यहाँ पे लिखेंगे और एक हासिल में लेंगे वो हासिल में जो है लेंगे इसको इसमें जोड़ेंगे जितने जगह पे काटेगा का, उसमें जोड़ देंगे लेकिन ऐसा इसमें नहीं है केवल एक ही अंक आया तो हमने एक अंक लिख दिया अब देखिए यहाँ पे कितने जगह पे काट रहा है एक दो तीन चार अब चार लिख देना ये हो गया आंसर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा चलिए इससे बड़ी गुणा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप आसानी से कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है हम क्या करते हैं बाईस की गुणा इकतीस में करते हैं देखिए आपको क्या करना है दो लाइनें इस तरीके से पड़ी हुई यानी खींच लेनी सीधे दे। ऐसे देखिए दो यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ी और दो खींच लीजिए अब क्या करना है तीन इसके ऊपर खींचनी है एक दो तीन अब कितनी खींचनी है एक एक यहाँ पे खींच दिए अब क्या करेंगे इनको देखिए कहाँ कहाँ पे काट रहे हैं एक दो तो दो लिख देना है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ आठ जगह की काट रही आठ लिख देना है एक दो तीन चार पांच छः छः लिख दीजिए हो गया आंसर जी हाँ उठाइए कैलकुलेटर चेक कर लीजिए यही आंसर है भाई यही गलत थोड़ी ना बता रहा हूं चलिए और बड़ा नंबर ले लेते हैं आप भी कर सकते हैं आसानी से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इससे समझ लीजिए अगर देखिए बयालीस की गुणा करनी है तेईस में इस तरीके से तो चार लाइनें आपको खींचनी है एक दो तीन चार इतनी बात आपको समझ में आए होगी अब देखिए दो लिखा है तो दो लाइनें कुछ जगह छोड़ के यहाँ पे दो लाइनें खींच लीजिए अब देखिए दो लिखा हुआ है इधर वाली जितनी भी अंक होंगे यानी इसके बाद वाले उनको इसके ऊपर रखना है जैसे दो तो दो लाइनें इसके ऊपर खींच देनी है इस तरीके से अब देखिए तीन है तो तीन एक दो तीन इतनी बात आपको समझ में आई होगी तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः तो आपको छः लिख देना है अब देखिए तीन एक दो तीन यानी तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदा पंद्रह सोलह तो सोलह आप कैसे लिखते हैं एक और छः यानी इस तरीके से लिखते हैं तो क्या करिए छः यहाँ पे लिख लीजिए एक हाथिल ले लीजिए अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जगह काट रही है तो आठ ये और एक हासिल लिए नौ लिख दीजिए हो गया आंसर जी हाँ बड़ी सी बड़ी संख्या की गुणा कर सकते हैं आसान तरीके से चलिए और संख्या ले, ले लेते हैं जिनके आपको गुणा करके दिखाते हैं अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और आपको समझ में आ गया हो तो आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए चलिए हम बात करते हैं और बड़ी संख्या की बत्तीस की गुणा हम करते हैं इक्यावन में तो देखिए तीन इस तरीके से तीन लाइनें खींच है एक दो तीन क्या करना है दो लाइनें एक दो अब देखिए पाँच लाइनें इसके ऊपर खींचनी है एक दो तीन चार पाँच खींच लिए एक लाइन यहाँ पे खींचना है इसके ऊपर ऐसे खींच लिए तो देखिए अब क्या करना है इनको गिनना है कहाँ कहाँ पे काट रहे एक दो तो दो लिख लीजिए अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो तेरह आ गया तो तेरह कैसे लिखते हैं इस तरीके से तो तेरह का तीन लिख देंगे एक हासिल में ले लेंगे अब देखिए यहाँ पे कितने जगह पर काट रही है एक दो तीन चार पाँच तो पाँच और पाँच दस और पाँच पंद्रह देखिए पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक हासिल ऐसे लिख दीजिए सोलह ये हो गया आंसर जी हाँ एक बार और आपको समझा रहे हैं देखिए बत्तीस गुणी इक्यावन है तो आपको क्या करना है तीन लाइनें ऐसे खींचनी है एक दो तीन लाइनें खींच लिए फिर दो लिखा है तो थोड़ा नीचे दो लाइनें खींच लीजिए दो खींच लिए अब क्या करना है पाँच है तो पाँच इसके ऊपर एक दो तीन चार पाँच पाँच लाइनें इसके ऊपर खींच लिए एक है तो एक खींच दिए इधर से यहाँ से लिखना है एक दो, दो लिख दिए अब देखो इनको जोड़ना है एक दो तीन तीन तो हो गई एक दो तीन चार पाँच 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 दस और तीन तेरह कितना हो गया तेरह तो तेरह का तीन लिखेंगे एक हासिल में ले लेंगे इनको जोड़ेंगे एक दो तीन चार पाँच पांच पांच दस पांच पंद्रह और एक ये सोलह सोलह लिख देंगे हो गया आंसर देखिए और बड़ी संख्या ले लेते हैं जैसे तिरसठ गुणे बत्तीस इस तरीके से तो देखिए छह लाइनें आपको इस तरीके से खींचनी है एक दो तीन चार पाँच छ तो छः लाइनें खींच लिए। अब देखिए तीन तो थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको क्या करना है तीन एक दो तीन तीन खींच दिए अब तीन लाइनें इसी के ऊपर खींचनी एक दो तीन अब देखिए दो लाइनें, दो लाइनें इसके ऊपर खींचना है एक दो अब यहाँ से आपको देखना है कितने जगह पे काट रही हैं एक दो तीन चार पाँच छ तो छः लिख देना है यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह यहाँ पे हो गया देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो बारह और नौ इक्कीस आप इक्कीस कैसे लिखते हैं इस तरीके से तो एक लिख देंगे और हासिल में दो ले लेंगे अब इनको जोड़ेंगे एक दो तीन तो देखिए तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह तीन अठारह देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह और दो बीस अब बीस लिख दीजिए ये हो गया आंसर जी हाँ तो अगर दोस्तों आपको हमारी ट्रिक पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही इससे भी आगे आपको मिलेंगे और भी कुछ नई ट्रिक के साथ अगले वीडियो में थैंक यू